हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात आपको इसलिए बोलता हूँ कि आपका एडमिशन जब भी हुआ हो, एग्जाम तो भाई आपको देना है, और उसकी प्रिपरेशन आपको डे वन से करनी होती है, तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाते हो। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे आखिर में भी पढ़ के कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पूरे के पूरे कोर्स को कम्प्लीट करते हैं, कम्प्लीटली चीजों को समझते हैं और फिर अपना एग्जाम देते हैं। ठीक है ना? तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। एमसीओ 1 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर का यूनिट 1 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूंगा सारे यूनिट्स को मैं एक ही वीडियो में करा दूं। हर एक यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सबको एक ही वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा, पर ये जो पहला यूनिट है इसको मैं तोड़ तोड़ कर भी करवाने वाला हूँ। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उनको एक वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज में मैं आपको बना करके दूंगा। ठीक है? उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं यूनिट्स को एक ही यूनिट के जितने भी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे उन सबको मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। ठीक है? बट अभी के टाइम पे फिलहाल मैं सिर्फ एक क्वेश्चन को ही अभी कवर कर रहा हूं। ठीक है? ये हम करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि जिनका जनवरी 2022 में एडमिशन हुआ है, 1 जनवरी 2022 के बाद जिसका एडमिशन लिया है, आपको पता होगा कि आपका कोर्स कंप्लीटली चेंज हो गया है। आपके फर्स्ट सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट थे वो फर्स्ट ईयर में आ गए हैं। ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 जनवरी 2022 को जिनका एडमिशन हुआ है एमसीओ फर्स्ट ईयर में, आपको ये पढ़ने हैं। पहला बात तो आपका जो कोर्स है अब वो सेमेस्टर वाइज हो गया है, ईयर वाइज नहीं रहा। सेमेस्टर वाइज आपको एग्जाम देने होंगे, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है एमकॉम का, उसमें आपका एमसीओ 1, एमसीओ 4, एमसीओ 5 जो आप सेकंड ईयर में पढ़ते थे वो आपको पढ़ना है। एक नया कोर्स इसमें इंक्लूड किया गया है एमसीओ 21। सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड सेमेस्टर की बात करें सॉरी, तो एमसीओ 22, 23, 24 और एमसीओ 6, ये चार सब्जेक्ट्स आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। नेक्स्ट ईयर जो आपका होगा सेकेंड ईयर, उसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। सेकेंड ईयर का भी कोर्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा जल्दी ही, आई होप। बट फर्स्ट ईयर का कोर्स आपका कंप्लीटली चेंज है। आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 तक जो पहले के बच्चे पढ़ा करते थे वो कोर्सेज अब आपके नहीं है। अगर आपने सुना है कि वो करना है तो वैसा नहीं करना है, कोर्सेज चेंज हो गए हैं। अब हम बात करेंगे नए कोर्स के बारे में जो कि है एमसीओ 1 से लेकर के 5, 145, एमसीओ 21, सेकंड सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक है एमसीओ 1 का ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और बिहेवियर। इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें हम करने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा, इसको पूरा देखिएगा। साथ ही साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं कॉमर्स की पाठशाला से, हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि अभी क्लासेस कर रहा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं क्लासेस को लेकर के तो आप हमसे क्लासेस कर सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जहां पे मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करें एग्जामिनेशन के लिए, वो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं अगले वीडियो में। बट फिलहाल जो हमारा आज का टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं आगे की तरफ चल करके, जिसमें हम बताने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है और उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। राइट? तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, विच इज अबाउट व्हाट इज मैनेजमेंट। पहला तो व्हाट इज मैनेजमेंट क्या होता है ये हम करेंगे, दूसरा हम करेंगे इसके फीचर, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है? तो ये देखो स्क्रीन पर देखो, मैनी एक्सपर्ट्स कॉल मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। आप एक सिंपल सा डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाई अदर्स, है ना? मैनेजमेंट एक कला है जिसमें आप अपने कामों को किसी और के जरिए करवाते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हुए हैं मैनेजमेंट के, जिन्होंने अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन करने की कोशिश की है, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। हम बात करेंगे उन सारे लोगों के बारे में एक एक करके। ठीक है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टोनर, फ्रीमैन और गिलबर्ट के बारे में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टोनर, फ्रीमैन एंड गिलबर्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स एंड ऑफ यूजिंग ऑल अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू रीच स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, है ना? तो स्टोनर, फ्रीमैन और गिलबर्ट ने कहा था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लीड करते हैं और कंट्रोल करते हैं जो भी काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको, वहां के मेंबर्स को, ताकि हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है? किम्बेल या किम्बॉल आप पढ़ सकते हो, किम्बेल ने कहा था स्टेट्स दैट मैनेजमेंट मे बी ब्रॉडली डिफाइंड एज अ आर्ट ऑफ अप्लाइंग द इकोनॉमिक प्रिंसिपल। मैनेजमेंट एक तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि मैनेजमेंट एक कला है जिसमें आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, अंडरलाई द कंट्रोल ऑफ मैन एंड मटेरियल्स इन द एंटरप्राइज अंडर कंसिडरेशन। जो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल, है ना? इस तरीके से LLCOE, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप,
है ना, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो किम्बेल के अनुसार मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंटेशन करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने मेंस को, अपने मटेरियल्स को कंट्रोल करने के लिए, और जो आपका स्टेटेड, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए आप यू नो टुगेदर काम करोगे। दैट इज व्हाट किम्बल सेज, राइट। ये दो डेफिनेशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से प्रोफेशन है, मैनेजमेंट को क्या हम प्रोफेशन बोलेंगे। तो जी हाँ, बोलेंगे। कुछ समानताएं हैं इन दोनों के बीच में जिसके कारण से हम इसे मैनेजमेंट बोलेंगे, आई मीन प्रोफेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैनेजमेंट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। जिस तरीके से प्रोफेशन एक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। देयर इज फॉर्मल टीचिंग ऑफ दैट नॉलेज। जिस तरीके से प्रोफेशन में फॉर्मल टीचिंग होती है किसी पर्टिकुलर चीज की, सपोज आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उस चीज की पढ़ाई होती है, आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट को भी पढ़ाया और सिखाया जाता है, ठीक है। सो देयर इज फॉर्मल टीचिंग ऑफ दैट नॉलेज। देयर आर रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस एंड बॉडी ऑफ मेंबर्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। जिस तरीके से प्रोफेशन के केस में होता है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस हैं, बॉडी ऑफ मेंबर्स हैं जो कि मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चीजें उनको करनी होती है वो सारी चीजें वो लोग वहां पे करते हैं। देयर आर एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स्ड बाय द प्रोफेशन, है ना। जिस तरीके से प्रोफेशन होता है उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको मेंटेन करना होता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, चार समानताएं मैंने आपको बताई है। एक और है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सूटेबल रेमुनरेशन टू द मेंबर्स इन द सर्विस ऑफ मैनेजमेंट। जब आप मैनेजमेंट कर रहे हो, करवा रहे हो, तो उस केस में उनको सूटेबल रेमोनरेशन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर यू नो एबिलिटी, राइट। तो जो मेंबर्स होते हैं, जो सर्विस करते हैं, जो मैनेजमेंट की सर्विस करते हैं, जो सेवा प्रदान करते हैं, उनको सूटेबल रेमोनरेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट इज वाई मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज प्रोफेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है और इसको हम प्रोफेशन क्यों बोलेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जनरल जो प्रिंसिपल्स है वो हेनरी फायल ने कहा था, ठीक है ना। अब हेनरी फायल एक बहुत ही मैनेजमेंट के बड़े एक्सपर्ट थे, आप बोल सकते हो। उन्होंने एक तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया कि मैनेजमेंट करने के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे, इसके क्या क्या सिद्धांत होंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। आपको बोल्ड लेटर में दिख रहा होगा डिवीजन ऑफ वर्क, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब हो गया कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो काम आपको देना है। जैसे कि सपोज मैं हूं, मुझे अगर पढ़ाना अच्छे तरीके से आता है तो मुझे कौन सा काम मिलना चाहिए, मुझे पढ़ाने का काम मिलना चाहिए, राइट। अब मुझे कोई मिलेगा, चलो भाई राजमिस्त्री का काम करो, आप घर बनाओ, है ना, मेशन का काम करो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाओ, है ना। तो मुश्किल होगी मुझे, क्योंकि मैंने उस चीज की पढ़ाई नहीं करी है, मुझे उस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो नहीं था, तो उस काम में मुझे दिक्कत होगी। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि जो जिस काम में अच्छा है उसको वो काम प्रोवाइड किया जाना। डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट्स मोर स्किल्स ऑन अ पर्टिकुलर जॉब। डिवीजन ऑफ वर्क के कारण आप पर्टिकुलर जॉब में जो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होते हैं लोगों को, आप उनको प्रमोट करते हो, है ना। जॉब लीडिंग टू मोर एफिशिएंसी। अब आप जिसको जो काम आता है, अगर आप उसको वही काम दोगे तो वो उस काम को और अच्छे तरीके से कर पाएगा और कम समय में कर पाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगला है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बहुत ही फेमस डायलॉग है स्पाइडरमैन मूवी से, आपने सुना होगा, ठीक है ना। विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। आपके पास अगर पावर ज्यादा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। तो यहाँ पे वही भी वही बात बोली गई है कि आपके पास अथॉरिटी है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है ना, आप रिस्पॉन्सिबल हैं काम को लेकर के। सो अथॉरिटी इज द वेस्टेड पावर थ्रू द पोजिशन वन होल्ड्स। अथॉरिटी एक पावर होती है जो कि एक व्यक्ति होल्ड करता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हैंड इन हैंड चलती है। अथॉरिटी कम नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब जितनी आपकी अथॉरिटी होगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है इसलिए आपको अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है, आप समझ रहे हो। दोनों हैंड इन हैंड चलती है। अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटरेस्टेड। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको पूरा करने के लिए अथॉरिटी जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। आई होप कि दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि एक व्यक्ति को डिसिप्लिन होना, ओबीडियंस होना, एप्लीकेशन अपना करना, एनर्जी का इस्तेमाल करना, रिस्पेक्ट करना, ये सारी की सारी चीजें डिसिप्लिन में आएंगी, है ना। बाय डिसिप्लिन फाइल मीन ओबीडियंस, एप्लीकेशन, एनर्जी एंड रिस्पेक्ट। पेनल्टी शुड बी जुडिशियली अप्लाइड, है ना। अगर आप कोई गलती करते हो तो आपके ऊपर जुडिशियली पेनल्टी अप्लाई की जा सकती है। एंड प्रोविजन शुड बी कॉम्पिटेंट एंड फेयर। और जो सुपरविजन होगा वो बिल्कुल ही कॉम्पिटेंट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए,
आप कंपीट करने जा रहे हो दूसरी कंपनी के साथ, कंपीट कर रहे हो, तो जो सुपरविजन है वो भी कंपीट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, है ना? सही जानकारी आपको दी हुई होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, नाम से पता चल रहा है कि कमांड में यूनिटी होनी चाहिए। जो बंदा ऊपर में बैठा हुआ टॉप लेवल मैनेजमेंट जो ऑर्डर्स प्रोवाइड कर रहा है उसके बातों को हर एक लेवल पे मैनेजमेंट के मानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आदमी कुछ बोल रहा है, उसका सबॉर्डिनेट कुछ और ही बातें कर रहे हैं, तो इससे मैनेजमेंट को दिक्कत होती है, राइट? तो यूनिटी ऑफ कमांड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अ सबॉर्डिनेट शुड टेक ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन अथॉरिटी। एक सबॉर्डिनेट का काम होता है कि वो अथॉरिटी, सिर्फ एक अथॉरिटी से ही अपने ऑर्डर्स ले। Fayol apprehended that the absence of unity of command authority is undermined. ठीक है ना? Fayol ने कहा था, apprehend किया था कि अगर unity of command नहीं होगा, अगर उस चीज की absence होगी किसी भी organization में, तो जो authority है वो undermined होगी, discipline नहीं रहेगा, discipline is jeopardized. ठीक है ना? Discipline नहीं रहेगा, order gets disturbed, जो भी orders दिए जाएंगे उनका पालन ठीक तरीके से नहीं होगा, and stability gets threatened, और जो stability होगी organization की वो भी एक तरीके से threatened होगी, जो काम होगा वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड की तरह यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी वही बात बोली जा रही है कि फायल एडवोकेटेड दैट देयर शुड बी ओनली वन हेड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए जिसके तहत सबको काम करना है। अगर डायरेक्शन ठीक नहीं होगा, अगर आप अलग अलग लोगों की बात मानोगे, अलग अलग लोगों की बात मानकर अलग अलग काम करोगे, जो आपका प्लान अगर डिफरेंट होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये बात बोली जा रही है। अगला है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आपको सबॉर्डिनेट करना है अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट के साथ। जनरल इंटरेस्ट को आपको सामने रखना है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको पहले रखना है। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड कम बिफोर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, है ना? आपका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ दो, उसके ऊपर ध्यान मत दो, लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जब आप अपना टाइम वहां पे दे रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट करो, उसके प्रति आप लॉयल रहो और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट के पहले रखो। ठीक है, अगले पॉइंट है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन सैलरी होती है, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस ऑफ फेयर पे शुड प्रिवेल एंड अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अराइव एट द बेस्ट स्कीम ऑफ पेमेंट, है ना? सो एज ए मैनेजर आपका काम होता है कि आप पेमेंट जो है वो सही टाइम पे करो, फेयरली करो, और आपको ये कोशिश करनी चाहिए ताकि आप जो है सही टाइम पे सही पेमेंट कर सकें। बेस्ट स्कीम ऑफ पेमेंट, आप किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, आपका स्कीम क्या है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। रेमुनरेशन ठीक तरीके से प्रोवाइड की जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द हेनरी फायल। सेंट्रलाइजेशन फॉर ओवरऑल कंट्रोल, देयर शुड बी वन सेंट्रल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल कंट्रोल के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंट्रल पॉइंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन रिलेटिवली लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस appropriate decentralization may be practiced through delegation of authority. लेकिन जहां पे लोग बहुत ज्यादा हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ा है, वहां पे decentralization की पॉलिसी अपनाई जा सकती है। appropriate decentralization may be practiced, है ना? May be practiced, वहां पे प्रैक्टिस किया जा सकता है थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी काम किया जा रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को समझ करके उसका जो बेसिक यूज है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। स्केलर चेन, है ना? स्केलर चेन का मतलब होता है कि काम जो होता है वो चेन के रूप में चलता हुआ आता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना काम करा, उसने आगे बढ़ा दिया, सेकंड लेवल मैनेजमेंट पे चला गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे उसने अपना काम करा, थर्ड वाले पे चला गया, तो एक चेन के माध्यम से जो है काम जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अथॉरिटी शुड फॉलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अथॉरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम होनी चाहिए थ्रू अनब्रोकन चेन, है ना? थ्रू अनब्रोकन चेन। थ्रू स्केलर चेन various peoples in the organizations are connected in a particular way and the chain determines the direction of the flow of communication. ठीक है ना? तो स्केलर चेन में क्या हो रहा है कि जो लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उसके साथ वो लोग अटैच्ड हैं। दे आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर, है ना? तो एक प्रैक्टिकल वे में उनको काम करना है, वो चेन डिटरमाइन करती है कि किस तरीके से जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो कहां से कहां की तरफ जाएगा। तो चेन अच्छे तरह से क्रिएट करना, स्केलर चेन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट है ऑर्डर। सो पीपल एंड मटेरियल शुड बी एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम। जो लोग हैं, जो मटेरियल्स है, जो रिसोर्सेज आपके पास है, उसका सही टाइम पे सही जगह पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सही टाइम पे सही जगह पे नहीं होगा तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, आप काम ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। सो अ पोजीशन शुड बी मैन्ड विद द पर्सन हु इज मोस्ट सुटेबल फॉर द जॉब, है ना? सो एक पोजीशन को वैसे लोगों के साथ भरना चाहिए या मटेरियल को उस जगह पे रखना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता है, जो जिस लायक है उसको वही काम देना चाहिए। तो ऑर्डर का फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी की बात की जा रही है, तो इक्विटी का मतलब ये नहीं होता कि शेयर वाली इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी का मतलब हो रहा है लॉयल्टी और डिवोशन। ठीक है,
जो आपका काम रहेगा, जो आपका जो लॉयल्टी रहेगी, उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लॉयज के पास से जॉब को लेकर के डिवोशन होना, लॉयल्टी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। स्टेबल वर्क फोर्स प्रमोट्स एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्क फोर्स स्टेबल होता है तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है ना। अगर स्टाफ ही स्टेबल नहीं रहेगा तो वहां पे आपको स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनके जो डिमांड्स हैं, जो राइट्स हैं, आप उनका ख्याल रखो, और स्टेबल जो वर्क फोर्स है वो आप एक तरीके से प्रमोट करो ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती रहे। इनिशिएटिव, किसी भी मैनेजमेंट को इनिशिएटिव लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे तो आप कुछ डिफरेंट ट्राई नहीं करोगे, कुछ डिफरेंट ट्राई नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड करना है, राइट? सो इनिशिएटिव शुड बी प्रमोटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड क्लाइमेट ऑफ सफिशिएंटली टॉलरेटिंग मिस्टेक शुड बी प्रमोटेड, है ना? सो इनिशिएटिव सबसे पहले तो आपको प्रमोट करना है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि इनिशिएटिव आप लो, अलग अलग तरीके से काम को करने की कोशिश करो, और साथ ही साथ अगर आपसे कुछ गलती होती है तो एक ऐसा भी इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है, क्लाइमेट क्रिएट करना है जहां पे आप उन मिस्टेक्स को टॉलरेट करके उनको प्रमोट कर सको, ठीक है? अगला और आखिरी पॉइंट है एस्पिरेट डी कॉप्स। एस्पिरेट डी कॉप्स का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ मिल करके टीम स्पिरिट में काम करना है, एक फीलिंग अपने मन में रखनी है और नेशन को लेकर के, दूसरे व्यक्ति को लेकर के, और साथ में मिल करके, टुगेदर यू नीड टू वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द दैट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना? सो थ्रू प्रमोटिंग टीम स्पिरिट एंड फेलो फीलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम स्ट्रॉन्गर। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्गर तभी बनती है जब टीम स्पिरिट लोगों के अंदर लाई जाए कि भाई टीम में काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर इनफॉर्मैलिटी एंड हेल्दी कम्युनिकेशन प्रमोट यूनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज्यादा इनफॉर्मेलिटी का होना और एक हेल्दी कम्युनिकेशन प्रमोट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी को, और यूनिटी अगर होगी तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8101065300 पे। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में डिटेल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।